अपना समय सफल कर रहे हैं। कल नंद महामहोत्सव तक कथा का आनंद हम सभी ने लिया, बड़ा आनंद कल आया सभी को, क्योंकि हमारे जो ठाकुर है ना वो बड़े रसमय हैं, इसलिए उनकी प्रत्येक लीला बड़ी रसमयी है। 11 वर्ष तक श्री ठाकुर जी ब्रज में रहे, ब्रजवासियों के लिए 11 वर्ष उत्सव रूप हो गए। प्रतिदिन कोई ना कोई उत्सव होता है, हर दिन कोई ना कोई उत्सव। आज लाला ने करवट बदली है तो मैया ने उत्सव रख दियो, आज लाला बैठना सीखो तो मैया ने उत्सव रख दियो, आज लाला बोलना सीखो तो मैया ने उत्सव रख दियो। प्रतिदिन कोई ना कोई ब्रज में उत्सव होता है, हर दिन। बड़ी रसमयी लीला है बाल लीला ठाकुर जी की, जिसका श्रवण हम लोग करने जा रहे हैं। यहाँ तक कि ब्रज में ठाकुर जी ने जो असुरों का वध भी किया है, राक्षसों को जो मारा भी है, वो भी बहुत मधुर वचन से, बहुत मीठे ढंग से। सूरदास जी का एक पद है, ऊत नाचे प्राण सोखे रहे उर लपटा है, बलि बलि चरित गोकुल रहा है। अरे कोई किसी को मारता है तो छाती से थोड़ी लगाता है, लेकिन ठाकुर जी ने पूतना को छाती से लगा के मारा। ये मारना भी कितना मधुर है। इसकी सेटिंग ठीक करो, बार बार कम ज्यादा हो रहा है। ठाकुर पूतना का वध भी बड़े मधुर ढंग से किया, इसलिए हमारे श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने कहा भी, संपूर्ण जो मधुराष्टक है वो उसमें लिखा है मधुराधिपते अखिलम मधुरम, उसका अखिलम मधुरम। अखिलम मधुरम, उसका सब कुछ मधुर है। यहां तक वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने कहा, गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टे मधुरा सृष्टि मधुरा दलितम मधुरम। दलितम माने दैत्यों का जो दलन है, मारना है, वो भी मीठा है। दलितम मधुरम फलितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम नैनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। अखिलम सर्वस्व मधुर, सब कुछ मधुर है। गमनम मधुरम, चलना भी मधुर है, बोलना भी मधुर है। गोपियों ने गोपी गीत में कहा है, बड़ा सुंदर भाव है, मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुध मनोज्ञया पुष्करे क्षणः विधि करी
अधर सी धुना प्याय स्वना। तीन चीज मीठी होनी चाहिए, मधुर या गिरा। एक तो वाणी मधुर हो, एक वाक्य मधुर हो, और तीसरा भाव मधुर हो। फिर आदमी जो बोले वो बहुत मीठा लगेगा। वाक्य मीठा हो, वाणी मीठी हो, और भाव मीठा हो। श्री ठाकुर जी की वाणी में तीनों ही बातें हैं, इसलिए बड़े सुंदर सुंदर पद मिलते हैं। संभवतः मीरा जी का पद है, उसमें लिखा है, किसने सिखाया श्याम तुम्हें मीठा बोलना। इतने मधुर हैं श्री ठाकुर जी, इतने मधुर हैं, सर्वस्व मधुर है। वाणी मधुर, वाक्य मधुर, भाव मधुर, तीनों में से यदि एक भी मधुर नहीं होगा तो फिर मधुरता नहीं बनेगी। जैसे चोटी में तीन लर होती है, तीनों लरों को गुथकर चोटी बनती है, वैसे ही मधुर वाणी के लिए वाणी, वाक्य और भाव, तीनों चीजें मधुर होनी चाहिए। अगर तीनों चीज मधुर नहीं है, आप किसी को कहें माता जी आए यहाँ बैठें विराजें, कितना मधुर लगेगा। उसी जगह आप कहें अरे मेरे बाप की लुगाई यहाँ पे आके बैठ जा, तो बात तो सही है, पर वाक्य अगर मीठा नहीं है तो वो बहुत कष्ट देगा, वो चुभेगा। तो झूठ नहीं है, अगर बाप की लुगाई कहे तो बाप की पत्नी होती है माँ, पर सीधे सीधे आप ये बोलेंगे तो वो बात चुभ जाएगी। वाक्य भी मीठा होना चाहिए वाणी के साथ साथ, और भाव भी मीठा होना चाहिए। प्रायः लोग कहते हैं हम तो सच कह रहे हैं, अरे सच कह रहे तो क्या, कड़वा क्यों कह रहे हैं। तो भाव, वाक्य और वाणी, तीनों चीजों में सरसता चाहिए, मधुरता चाहिए। और श्री ठाकुर जी का तो अखिलम मधुरम, उनका तो सब कुछ मधुर है, सब कुछ। पूतना का वध किया जिस समय बालकृष्ण लाल 6 दिन के हुए, पूतना आई बड़ा सुंदर रूप धारण करके। यशोदा मैया सोच रही है जब से लाला को जन्म भयो, बड़े बड़े देवी देवता लाला के जन्म के अवसर पे बधाई देवे आए, ये भी कोई देवी होगी पीछे रह गई है, लाला को मुख दर्शन करवे आई है। उसकी सुंदरता को देखकर रोहिणी यशोदा दोनों मैया रोक नहीं पाई, उसे महल में गई है और निमिलित एक क्षण उसको प्रवेश करते ही जानकर बालकृष्ण प्रभु ने अपने नेत्र बंद कर लिए। मानो नेत्र बंद करके ठाकुर जी शंकर जी का ध्यान कर रहे हैं, हे शंभो अभी तो जन्म लिया, अब पहली बार ही जहर का घूंट पीने का अवसर आ गया। जहर तो आपका भोजन है, हमारा नहीं, हम तो दूध दही खावे पीवे यहाँ आए हैं, तो जहर आप पियो हम दूध दही पियेंगे। मानो ठाकुर जी नेत्र बंद करके शंकर जी का ध्यान कर रहे हैं। दूसरा भाव ये भी है, ठाकुर जी सोच रहे हैं कि अगर उतना के नेत्र से मेरे नेत्र मिल गए तो नेत्र मिलने पर प्रेम हो जाता है, और इस राक्षसी से प्रेम हो गया तो फिर इसे मारूंगा कैसे। तो ठाकुर जी पहले ही सोच लिए आंख बंद करके इसका वध करेंगे, नेत्र बंद देखेंगे ही नहीं। और जैसे ही पूतना आई है, बालकृष्ण प्रभु को अपनी गोद में उठाया है और कालकूट जहर लगा हुआ स्तन बालक के मुखाग्र में दिया, पर श्री ठाकुर जी ऐसे दयालु हैं, पूतना के स्तन पान के साथ साथ उसके पापों का पान और उसके प्राणों का पान भी श्री ठाकुर जी ने किया है। चिल्लाई है, 6 कोस लंबा चौड़ा शरीर उसका प्रकट हुआ है, और जितने बीच में उसका शरीर गिरा, चूर्णयामास राजेंद्र, सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित जी, उतने बीच के सब बाग बगीचे चूरन की तरह पिस गए, इतना लंबा चौड़ा राक्षसी का शरीर। और पूतना का वध हुआ, जगह जगह उसके शरीर को जलाया गया, दिव्य सुगंध निकलने लगी, क्योंकि भाई जिन भगवान का नाम स्मरण करने मात्र से प्रारब्ध तक के कर्म बंधन नष्ट हो जाते हैं, फिर साक्षात उन भगवान के द्वारा ही जिसका उद्धार संहार हुआ हो तो उसमें दुर्गंध किस बात की रहनी थी। इसलिए रामचरितमानस में कहा है,
ऐसी दया ऐसी करुणा किसी और में देखी नहीं गई। मारने वाली को क्षमा कर देना तो छोटी बात है, मारने वाली को मैया बना लेना ये बड़ी बात है। यशोदा मैया को जो गति बाद में मिली वो पूतना को पहले ही मिल गई। इसलिए गोसाई जी ने कहा है, अस स्वभाव कहूं सुनहूं न देखूं। ऐसा स्वभाव भाई आज तक देखा सुना नहीं गया। ऐसी क्षमा ऐसी करुणा ऐसी दया ऐसा वात्सल्य कहां देखने सुनने को मिला है। के ही खगेश रघुपति समलेख, इस करुणा की कोई समानता नहीं की जा सकती है। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, जन अवगुण प्रभु मान न कहो। इतना मृदुल स्वभाव है, इतना मीठा स्वभाव है। अगर भगवान पूतना के दोषों पर विचार करते तो क्या पूतना इतनी बड़ी कृपा प्राप्त करने की अधिकारिणी थी? लेकिन ठाकुर जी जिस पर कृपा करते हैं उसके गुण दोषों पर विचार नहीं करते। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक पद में कहा है, के ही आचरण भले भलो माने प्रभु सो तो न जान परो, तुलसीदास रघुनाथ कृपा को जोहत पंथ करो। भगवान किस क्रिया पर रीझ जाएंगे ये कुछ समझ में नहीं आता। अब जहर पिलाने वाली जैसी क्रिया पर भगवान जब रीझ सकते हैं तो फिर क्या कहा जा सकता है ठाकुर जी कब किस पर कैसे कृपा कर दें? कुछ कहा नहीं जा सकता। बस उनके कृपा की बाट देखो, प्रतीक्षा कर, प्रतीक्षा में रहो। कभी ना कभी तो होगी होगी, कभी ना कभी तो होगी। एक हमारे पूज्य बाबा महाराज की गजल है, उनका बड़ा सुंदर एक भाव है, मेरे अवगुण पे ही रीझो शरण तेरी आया, मेरे अवगुण पे ही रीझो शरण तेरी आया, कौन से पाप किए नहीं मैंने तुम सो सदा कपट कियो मैंने, मुझ कपटी पे ही रीझो शरण तेरी आया। हे नाथ, कोई गुण नहीं है पर हमें विश्वास है आप हमारे दोषों पर ही रीझ जाएंगे। कुछ तो है, ऐसा तो नहीं कि कुछ भी नहीं है। गुण नहीं है तो नहीं है, पर दोष तो हैं, आप उन्हीं पर रीझ जाओ। क्या पूतना के दोषों पर आप नहीं रीझे थे? या तृणावर्त शक्टासुर अघासुर बकासुर के अपराध पर आप नहीं रीझे थे? क्या व्याध के अपराध पर आप नहीं रीझे थे? तो आप इस तुच्छ जीव को, इस क्षुत्रतम दास को क्यों छोड़ रहे हैं? मेरे अवगुण पे ही रीझो शरण तेरी आया, साधन एक कियो नहीं मैंने। कोई साधन भजन नहीं कर सका, कुछ नहीं किया। बेशर्मी पे ही रीझो शरण तेरी आया। एक पद है बड़ा सुंदर सूरदास जी महाराज का, हमारे प्रभु अवगुण चित ना धरो, हमारे प्रभु अवगुण चित ना धरो, हमारे प्रभु अवगुण चित ना धरो, समदर्शी है
तिहारो समदर्शी है नाम तिहारो सोई पार करो हमारे प्रभु अवगुण चित ना धरो। हमने सुना आप तो समदर्शी हैं, सबके लिए समान हैं, फिर इस जीव पर क्यों नहीं आप कृपा कर रहे हैं। एक लोहा पूजा मेरा खत एक घर बधिक परो। एक लोहा पूजता है, पूजा में रखा हुआ है, एक लोहा किसी बधिक के घर में है तो वो मांस काटने के काम आ रहा है, गलत काम में आ रहा है। लेकिन सो दुविधा पारस नहीं जानत कंचन करत खरो हमारे प्रभु अवगुण चित ना धरो। चाहे वो लोहा पूजने के काम आ रहा है, चाहे वो मांस काटने के काम आ रहा है, पर पारस ये नहीं जानता कि ये लोहा पूजा में काम आया है या ये लोहा मांस काटने के काम में आया है। पारस भेदभाव नहीं करता है, कैसा भी लोहा हो पारस स्पर्श करेगा तो उसको सोना बना देगा। भले ही हमारे अंदर गुण नहीं है, हे ना दोषों के भंडार हैं, पर आप तो समदर्शी हो, आप कृपा करो हमारे ऊपर। एक नदिया एक नार कहावत मेलो नीर भरो जब दो मिलिए एक वरण भय गंगा नाम परो हमारे प्रभु अवगुण चित ना धरो। चाहे शुद्ध जल है या गंदी नाली का पानी है, जब वो गंगा जी में मिल जाता है तो गंदी नाली का पानी भी गंगा जल बन जाता है, वो भी गंगा जल बन के पूजता है। हे नाथ आपके अंदर विषमता नहीं है, जो भी आपकी शरण में आएगा, अधिकारी है अनधिकारी है, योग्य है अयोग्य है, पुण्यात्मा है पापात्मा है, आप समदर्शी हैं। सूरदास जी कह रहे हैं आप अपने विरध को आप अपने नाम को भूलो मत नाथ। तन माया जीव ब्रह्म कहावत सूर श्याम जगरो कैन को कैपन जात टरो हमारे प्रभु अवगुण चित ना धरो। समदर्शी है नाम तिहारो सोई पार करो हमारे प्रभु अवगुण चित ना धरो। आप हमारे अवगुणों को दोषों पर ध्यान ना दें। बड़े सुंदर सुंदर इन भावों के महापुरुषों के पद हैं। एक पद है सूरदास जी का, जो हम भले बुरे सोते रे, हम भले हैं तो भी आपके और बुरे हैं तो भी आपके, तुम्हें हमारी लाज बढ़ाई विनती सुन प्रभु मेरे, जो हम भले बुरे सोते रे, हम अच्छे हैं तो भी आपके और बुरे हैं तो भी आपके। बड़े सुंदर सुंदर भाव इन महापुरुषों ने गाए हैं।
इन पंक्तियों ये पंक्तियां जब सुनाई पड़ती हैं तो जीवन में एक आधार बन जाता है, बहुत बड़ा एक सहारा मिल जाता है, क्योंकि अच्छाइयां तो कभी जीवन में आनी नहीं है। हम ठाकुर जी की कृपा के योग्य तो कभी नहीं बन पाएंगे, हम उनकी कृपा के अधिकारी तो कभी नहीं बन पाएंगे, पर जब महापुरुषों की ये पंक्तियां सुनते हैं कि अनधिकारियों पर भी कृपा हुई थी, तो मन में एक धैर्य बंधता है, एक सहारा मिलता है कि भाई ये दरबार ऐसा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चले आई, रघुवर रावरी इहे बड़ाई। राम जी के स्वभाव की यही विशेषता है, निधर गनी, जो बड़े बड़े गण्यमान पुरुष हुए, बड़े बड़े पुण्यात्मा हुए, अमलात्मा महात्मा हुए, निधर गनी, भगवान उनका आदर नहीं करते, उनका निरादर कर देते हैं। और आदर गरीब पर, निधर गनी आदर गरीब पर करत सदा अधिकाई, और गरीबों पर, दीनहीनों पर, साधन शून्यों पर ठाकुर जी अधिकाधिक कृपा करते हैं, अधिकाधिक कृपा करते हैं। तभी तो कहा है भाई, भक्ति मार्ग में साधन प्रधान नहीं है। हम ये दावा रखें, हम इतना भजन करते हैं, हम इतने व्रत करते हैं, हम इतना देते हैं, हम भगवान को पा लेंगे, या हम उन्हें खरीद लेंगे, या हम उन्हें मुट्ठी में बांध लेंगे, ऐसा नहीं है। भगवान साधन से मिलने वाली वस्तु नहीं है, भगवान केवल और केवल कृपा से ही मिलते हैं। वे जब कृपा करेंगे तभी उनकी प्राप्ति संभव, साधन से नहीं मिलेंगे। साधन का गर्व करोगे तो कभी नहीं मिलेंगे। बड़ा सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा एक पद में, मिली मुनि वृंद फिरत दंडकवन, सो चर्चो न चलाई। दंडकारण्य में जब राम जी गए हैं, वहां अगस्त जी जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि भजन कर रहे थे, हजारों हजारों वर्ष जिनको तपस्या और समाधि में निकल गए थे, साधन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन सो चर्चो न चलाई। न राम जी उनके यहाँ गए, न अयोध्या में लौट के उनकी कभी याद की, चर्चा भी नहीं की। और जब वनवास करके राम जी आए हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने पूछा, हे राम, तुम्हें जंगल में बहुत से भक्त मिले होंगे, कोई एक भक्त की चर्चा करो जिसकी याद तुम्हें अभी भी आती हो। तो बार ही बार गीध शबरी की बरनत प्रीति सुहाई, गृद्धराज जटायु और शबरी मैया की याद करके राम जी रो पड़ते थे, बार बार उनकी चर्चा करते थे, बार बार। और दंडकारण्य में कितने ऋषि मुनियों ने भजन किया, किसी की चर्चा राम जी ने नहीं की, किसी की याद राम जी ने नहीं की। तो भगवत प्राप्ति में साधन प्रधान नहीं है, भगवत प्राप्ति में कृपा प्रधान है। वे जिस पर कृपा कर दें, वो अयोग्य है, वो अनधिकारी है, वो भी उन्हें पा लेता है। गणिका वेश्या में क्या था, गजराज में क्या था, व्याध में क्या था, एक गणिका, केवल तोते को राम राम पढ़ाने से उसका कल्याण हो गया। 88 वर्ष अजामिल ने पापाचरण किया, केवल पुत्र के बहाने नारायण नाम लेने से कल्याण हो गया। तो कृपा प्रधान है इस मार्ग में, कृपा प्रधान है। तो पूतना पर कितनी बड़ी कृपा भगवान ने की है, उसे क्षमा ही नहीं किया, उसे मातृगति प्रदान कर दी। और जब श्री ठाकुर जी 3 महीने के हुए हैं, आज लाला ने पहली बार करवट बदली, मैया को देख के इतनी भारी प्रसन्नता भई, आज हमारे लाला ने अपने आप करवट बदली है, या को मतलब लाला बड़ो है रहो है। अब आज करवट बदली और मैया मनी मन विचार कर रही, आज करवट बदली है, कल बैठवो सीखेगो, फिर खड़ो है नो सीखेगो, फिर धीरे धीरे बरसाने जावेगो, राधा रानी ते प्रेम करेगो, फिर ब्याह को संबंध आएगो, और हम सब अपने लाला के ब्याह में बारात में जाएंगे। अभी लाला ने करवट बदली और मैया ने ब्याह तक के सपने देख लिए, क्योंकि माताओं का सबसे बड़ा जो स्वप्न होता है ना, वो अपने पुत्र का विवाह ही होता है। आज पहली बार करवट बदली और मैया लाला की बारात में भी घूमे आई। बड़े सुंदर सुंदर महापुरुषों के भाव हैं, मैया सोच रही है, ब्रजवासी आज भी ये सब रसिया ये सब भाव गाते हैं, काउदिन मैया कह के बोलेगो मेरो बाप।
मैया सोच रही है काव दिन हमारो लाला हम पे मैया मैया कह के बोले वो बलदाऊ के संग सखन मिल काव दिन आंगन माही खेलेगो मेरो बारो सो कन्हैया। कभी ग्वाल बड़ो है जाए वो अपनी दाऊ भैया के साथ ग्वाल बालन के साथ क्रीड़ा करे वो मीठी मीठी बात बनाए के राधा संग प्रीति जोरे गो मेरो बारो सो कन्हैया। बाबा मैया ग्वाल बाल ले बरसाने में तोरन तोड़े गो मेरो छोटो सो कन्हैया। तोरन तोड़ता है ना दूल्हा जैसे प्रवेश करता है तो ससुराल में दरवाजे पे तोरन तोड़ता है। आज लाला 3 महीना को भयो और मैया लाला ते तोरन भी तोड़वावे लगी। वृंदावन में वंशी बजाए के सखियन संग रास रचावे गो मेरो मारो सो कन्हैया। छोटे से लाला बालकृष्ण प्रभु 3 महीना के मैया ने बहुत बड़ो उत्सव लाला के करवट बदलवे को रखो। बड़े बड़े ब्राह्मण ऋषिगण पधारे हैं यज्ञ कियो है ब्राह्म भोज करायो है। संध्या के समय बालकृष्ण प्रभु शयन लीला कर रहे मैया ने लाला को छकड़ा के नीचे सुवा दियो। शकटासुर आया पूरे वेग के साथ शकट पर बैठ गया और जैसे ही शकट को दबाकर श्री ठाकुर जी बालकृष्ण लाल को मारने की इच्छा की उसी समय भगवान ने बाल लीला के द्वारा छोटा सा बालक लेटे लेटे हाथ पांव फेंकता है बस वही बाल लीला की एक जोर से चरण प्रहार किया और शकटासुर खेल ही खेल में समाप्त हो गया। बोले बाल कृष्ण लाल जय। 1 वर्ष के हुए हैं तृणाव्रत का वध किया है। अब ब्रज में एक एक दिन कब सूर्योदय हो जाता है कब सूर्यास्त पता ही नहीं चलता है और उधर देवकी वसुदेव दोनों माता पिता एक एक दिन गिन गिन के जा रहे हैं। आज लाला 2 महीना को अब 6 महीना को अब 1 वर्ष को पर अभी तक लाला के नामकरण की सूचना नहीं आई कि नंद बाबा ने नाम धरो कि नहीं धरो। कहीं ऐसा तो नहीं लाला के जन्म की खुशी में ऐसे बोराए से है गए नाम धरने ही भूल जाए और हमारा लाला जीवन